too many times. Feeling like another ends, back again, square one. Tried to leave myself behind, looking for a better place. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप न्यू ब्राइड हैं, या आपकी शादी हुई है, या आप शादी के एक दिन बाद मेकअप खुद से करना चाहते हैं, तो गाइस इस तरह से मेकअप करके आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाले हैं। तो ये आपको जो मेकअप लुक है, ये आपको वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक भी आप कर सकते हैं। आपकी शादी हुई है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो फाउंडेशन अप्लाई किया है वो मैंने डर्माकोल का फाउंडेशन अप्लाई किया है, और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और बहुत ही वाटरप्रूफ ये बेस बनने वाला है। तो इस मेकअप लुक को आपको फुल देखने के लिए आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना होगा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बायोटेक का मॉर्निंग नेक्टर टोनर यूज़ करूँगी, और ये जो टोनर है आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करता है और एक ग्लो करता है आपकी स्किन के ऊपर। और अगर आपकी एक्ने हो रहे हैं आपकी फेस पर, तो ये उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा एक एक्ने हो रहा है, और यहाँ पे मैंने लिया है गुड वाइब्स का रोज़ हिप सीरम, जो कि मेरे फेस को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही शाइनी बना देता है। क्योंकि आप फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं और लेयर बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको सीरम सब कुछ यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपको प्रोटेक्ट मिलता है आपके फेस पर। और यहाँ पर मैंने ये HD ग्लैम 21 का HD फेस प्राइमर अप्लाई किया है। और गाइज ये मेरी थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर प्राइमर अप्लाई कर लिया है। तो उसके बाद मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर कॉन्टोर पैलेट, ये इसमें करेक्टर भी है। तो यहाँ पर मैंने ये ऑरेंज करेक्टर लिया है, और अपने डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए, पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए यहाँ पर मैं ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छे से मेरी डार्क सर्कल हाइड हो गए हैं, और अब मेरे जो पिंपल हो रहा है वो भी मेरा हाइड हो गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ब्रश से अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। और उसके बाद मैं ले रही हूँ डर्माकोल का फाउंडेशन, जो कि बहुत ही आसानी से आपको किसी भी शॉप पर मिल जाएगा डर्माकोल फाउंडेशन। और यहाँ पर मैंने ये गाइस ड्यूप डर्माकोल फाउंडेशन है, और बट इसका भी कवरेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा कवरेज लगा था। मैंने ये ऑनलाइन बाय किया था, तो आप इसको ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। और जहाँ से मैंने ये बाय किया था मैं वो नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो गाइज यहाँ पे मेरा ये थोड़ा सा लाइट शेड आ गया था, तो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग मंगा सकते हैं। बट इसने इतना ज़्यादा केकी नहीं करता है, और बहुत ही लाइट कवरेज है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ईजी तरीके से मेरे फेस पर कितने अच्छे से अप्लाई हो गया है, बिल्कुल भी केकी नहीं लग रहा है। और यहाँ पर मैंने लिया है कंसीलर, जो कि स्विस ब्यूटी का कंसीलर है। उससे मैं अपनी जितना भी हाईलाइट एरिया है उसको अच्छे से अप्लाई करूँगी उस पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आईज़ पर मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये अप्लाई हो गया है। और अब मैं यहाँ पे लैक्मे 925 का लूज पाउडर ले रही हूँ, और इसको मैं अपने अच्छे से एक ब्रश की हेल्प से अपनी अंडर आईज़ के नीचे इसको अच्छे से लगा लूँगी। और यहाँ पर मैं इसको कम से कम जब तक मैं अपनी आईज़ कंप्लीट करूँगी, जब तक मैं इसको अपने फेस पर लगा रहने दूँगी। इससे क्या होगा, मेरा जो बेस होगा बहुत ही अच्छे से लॉक हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। आप देखेंगे, आप आगे देखिएगा गाइस, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने ये SFR की हेटेड विद लव पैलेट ली है, और यहाँ से मैंने ये ऑरेंज ब्राउन टाइप शेड है इस ये लूँगी एक ब्रश पे, ब्लेंडिंग ब्रश पर। और उसके बाद मैं कट क्रीज के ऊपर जो मेरी लाइन है उसके ऊपर मैं इसको ट्रांजिशन शेड एज अ ट्रांजिशन शेड लगाऊंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये अप्लाई हो गया है मेरी आईज़ के ऊपर, क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा ये पिगमेंटेड पैलेट है, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड पैलेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो यहाँ पर गाइज मैंने ये ग्रीन शेड लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपने शुरू की वीडियो में देख लिया होगा मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर की साड़ी वेयर की हुई है, और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। क्योंकि न्यूली ब्राइड जो होती हैं वो इसी तरह की ब्राइड शेड पहनती हैं जब शादी होती है न्यू। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से एक हॉलो आई शेडो अप्लाई किया है अपनी इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर से लेकर अपने पूरी कट क्रीज पर इसी तरह से अप्लाई कर दिया है। और उसके बाद मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी, जो मैंने पीच शेड अप्लाई किया था उसको हल्का सा ब्लेंड आउट करूँगी, ताकि बिल्कुल भी केकी, बिल्कुल भी
पैची ना लगे मेरा जो आई शेडो है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये ग्लिटर लिया है और ये मैंने अपनी फिंगर के ऊपर अप्लाई किया है। और इसमें बहुत ज़्यादा ग्लिटर जो है इसमें स्टार्स भी थे गाइस, बहुत ज़्यादा चंकी ग्लिटर हैं इसमें। बट आप अपनी आईज़ के ऊपर अगर न्यू आपकी शादी हुई है तो इस तरह से लगाओगे तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ब्लैक शेड लिया है सेम पैलेट से और हल्का सा अपने शेड को थोड़ा सा और अच्छा सा बनाने के लिए उसको मैं ऐसे ब्लैक शेड अप्लाई करूँगी अपने इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पर। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो ब्लेंडिंग ब्रश लिया था जहाँ से मैं ट्रांजिशन शेड लगा रही थी उसको दोबारा से लेकर मैंने अच्छे से ब्लेंड आउट कर दिया है। और अब मैंने यहाँ पर लिया है आईब्रो पैलेट जो कि मेरी हिलारी रोडा की आईब्रो पैलेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गाइज़, मैं बहुत टाइम से इसी को यूज़ कर रही हूँ और ये मेरे आईब्रोज़ के ऊपर बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है और बहुत नेचुरल लगती है मेरे आईब्रोज़। देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है आईब्रोज़ पर और अब मैं जितना भी मेरा पाउडर एक्सेस लगा हुआ था उसको डस्ट आउट कर लूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी पूरे फेस पर इसी को, ताकि मेरा जो फाउंडेशन मुझे जो फाउंडेशन मैंने अप्लाई किया है उस पर बिल्कुल भी कॉम्पैक्ट की ज़रूरत ना पड़े। और अब मैंने यहाँ पर लोअर लैश लाइन पर सेम शेड अप्लाई किया है ग्रीन शेड और बहुत ही लाइट सा मैं शेड अप्लाई करूँगी। और उसके बाद गाइज मैं यहाँ पर जो मैंने ट्रांजिशन शेड लगाया था उसको ब्लेंड आउट करूँगी दोनों को सेम शेड को और मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि बिल्कुल भी बेकार सा ना लगे मेरा आई शेडो। और यहाँ पर मैंने ये मालियो का काजल लिया है तो गाइज़ आप देख सकते हैं कितने इजी तरीके से मेरी आईज़ पर अप्लाई हो गया है मेरी वाटर लाइन पर। तो अगर आप वाइट काजल लेना चाहते हैं तो इसको ज़रूर बाय करें। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ग्लैम 21 की आई लाइनर। तो गाइज़ अगर आपसे आप ब्रश यूज़ करते हैं अपनी आई लाइनर पर और आपको ब्रश से नहीं अप्लाई होता है आपका, तो ये जो है इसका जो ब्रश है एप्लीकेटर है वो एक निब की तरह है, तो आप इसको बहुत इजी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पेन की तरह होती है इसकी जो निब होती है, आगे से एप्लीकेटर होता है। तो इस तरह से मैं अपने इनर कॉर्नर को भी फिल कर लूँगी ताकि मेरी आईज़ जो हैं बहुत ही अच्छी सी ब्रॉड नज़र आएँ। और यहाँ पर मैंने दोनों आईज़ पर अब कम्प्लीट कर लिया है। और अब मैंने यहाँ पर लिया है ADS का द बाम स्टोरी से कॉन्टोर पैलेट और इसमें हाईलाइटर भी होता है। तो गाइज़ यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा ये शेड है, ब्राउन्जर टाइप है और ये मैं अपने जॉ लाइन पर लगाऊंगी अच्छे से और अपने चिक्स पर अप्लाई करूंगी ताकि एक मेरे जो फेस है उसको मुझे शेप मिल जाए, बिल्कुल प्लेन सा ना लगे। क्योंकि आप अगर फाउंडेशन इतना अप्लाई करते हैं और लेयर लगाते हैं तो उससे उसके बाद क्या होता है आपका जो फेस है बहुत ही फ्लैट हो जाता है, उससे कंटूर अगर आप करते हैं तो कंटूर करने के बाद आपका जो फेस है बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी का ब्लशिंग लव पैलेट लिया है, इसमें हाइलाइटर और ब्लशर दोनों हैं। तो बट मैंने यहाँ पर ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ, ये बहुत ही लाइट पिंक शेड ब्लशर है और ये बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे से नेचुरल लगता है गाइज़ अगर आप इस ब्लशर को अप्लाई करते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। मैं इसका लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी डिटेल्स, तो आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। और यहाँ पे मैंने ये मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर विविड हाइलाइटर यूज़ किया है और ये जो हाइलाइटर है बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है गाइज़। अगर आप हाइलाइटर लेना चाहते हैं तो इस हाइलाइटर को ज़रूर बाय करें, बहुत ही बेस्ट हाइलाइटर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, नेचुरल ग्लो देता है आपके फेस पर। और यहाँ पे मैंने हिलारी रोडा की लैशेस अप्लाई कर लिया था और उसके बाद मैंने ग्लैम 21 का जो मस्कारा है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट मस्कारा है, वाटरप्रूफ मस्कारा है और बिल्कुल भी आपके जो लैशेस होती हैं ना उसको इतनी ज़्यादा वॉल्यूम देता है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं आपकी लैशेस, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ग्लैम 21 की ही लिपस्टिक अप्लाई की है, इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है गाइज़। अगर आप लिपस्टिक देखना चाहते हैं, मैं इसका शेड देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप ज़रूर चेकआउट करिएगा, बहुत ही बेस्ट लिपस्टिक है, वाटरप्रूफ लिपस्टिक है। और यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक ली थी, लिक्विड लिपस्टिक ली थी, इसको और अच्छे से ब्राइट कलर दिखाने के लिए मैंने इसको इस तरह से अप्लाई कर दिया था। और गाइज़ यहाँ पे मैं एक हैक आपको बता रही हूँ, अगर आपके पास बिंदी नहीं है तो आप अपनी लिक्विड लिपस्टिक से भी बिंदी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने बहुत ईजी तरीके से बिंदी अप्लाई कर ली थी। और अब मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का लिक्विड ग्लिटर लिया है, ये ग्रीन कलर का लिक्विड ग्लिटर है गाइज़। तो यहाँ पर मैंने अपने इनर कॉर्नर पर इस तरह से
से अप्लाई कर लिया है और मेरी आईज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तो गाइज़ यहाँ पे मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया था और यहाँ पे मेरा ये फाइनल लुक है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं अपनी चूड़ी जो है, बैंगल्स जो हैं, उनको वेयर कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से रेडी होती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। मैंने बहुत ही लाइट सा हेयर स्टाइल अप्लाई कर लिया था यहाँ पर, वेयर कर लिया था, और यहाँ पे मैंने गजरा लगा लिया था बहुत अच्छे से। तो गाइज़ ये मेरा फाइनल लुक है। तो कैसा लगा है आपको मेरा ये फाइनल लुक? अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा गाइज़। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बट जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। तो ओके गाइज़, बाय बाय, लव यू ऑल। One too many times, feeling like it never ends. Back again, square one. Tried to leave myself behind.